आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हो पाए हैं? उनके लिए क्या कहता है आपका गणित, क्या कहता है ज्योतिषाचार्य का एग्जिट पोल? राहुल गांधी की बात करें तो देखिए, जो कुंडली हमारे पास अवेलेबल है, जो कि नेट पर अवेलेबल होती है, मेरे पास मिथुन लग्न की कुंडली है जो कि ये बताती है ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और सूर्य और मंगल इनके लग्न में है। कहीं ना कहीं राजनीति विरासत में इनको मिली है, परंतु ये अपनी राजनीति को संभाल नहीं पाए, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए अपनी विरासत को। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि इनको वाणी दोष, बुध 12 में होकर इनको वाणी दोष लगता है। कहीं ना कहीं हंसी के पात्र भी ये बने हैं, कहा जाता है। और कहे अगर मैं कुंडली देखूं तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये अपनी उस चीज़ को, अपनी प्रखरता को निखार नहीं पाएंगे, उस निर्णय कुछ ऐसे नहीं ले पाएंगे, वो निर्णय जो इनके राजनीतिक स्तर पर इनको कुछ ऊंचाइयां दिला पाएं। लेकिन अगर मैं 2024 अभी इनके चुनावों की बात करूं, जो इनका मुझे गणना दिखाई देती है, तो निश्चित ही ये अपने आप को उभारने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज को निखारने का काम करेंगे। कुछ सीटें इनको मिलती हुई मुझे दिखाई देती हैं और अब 2024 से, अप्रैल के बाद से, कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक करियर में भी आप इनकी थोड़ी सी सक्रियता देखेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे इनके भाषण या कुछ ऐसे इनके वाद विवाद देखेंगे जो कि जनता भी देखकर ये आश्चर्यजनक होगी कि इन्होंने, इनकी तरफ से ये चीज़ें आई हैं। कुछ मुद्दे आप कह लीजिए, कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में मैं अगर देखूँ तो राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का योग मैं नहीं देख पाती हूँ। इनके कुछ इनके कारण जो कुंडली में बताते हैं वो यही बताते हैं, ये सहयोगी ज़रूर रहेंगे कांग्रेस के, ये कहीं ना कहीं सहयोगी तरीके से काम करते रहेंगे, परंतु इनकी कुंडली में कुछ विशेष कर और प्रबल योग राजनीति से संबंधित मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है रूपा जी, अब अगला सवाल मेरा है। और इनका जो चंद्रमा है, चंद्रमा कहीं ना कहीं इनका नीच राशि में, जो कि इनके प्रक्रम को, जो इनकी जिसे कहते हैं ना परक्रम, और इनके भाग्य को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत आगे तक नहीं जाते हुए मुझे नजर आते। बिल्कुल, तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ भी मोड़ लेते हैं अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, जैसा कि हमने राहुल गांधी का देखा है। अब बात करूंगी मैं अमित शाह की, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। कहा जाता है कि जब आपका बुध स्ट्रांग होता है तो वाणी आपकी बहुत मजबूत होती है, और बुध मजबूत होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव आपके वक्तव्य पर पड़ता है, जिस तरह से आप बोलते हैं, आपकी बोलने की शैली है। अगला सवाल मेरा पालू चौधरी जी आपसे है। अमित शाह की अगर हम बात करें, वोकल काफ़ी स्ट्रांग है उनका, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन इस बार क्या कहते हैं उनके सितारे, उनके बारे में भी ज़रा भविष्यवाणी कर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल भी किया है और सपोर्टिव। मैं बोलूं सेकंड, अगर हम मोदी के बाद कोई फेस देखते हैं तो वो अमित शाह का ही देखते हैं। जैसे कन्या लगन की उनकी कुंडली है अमित शाह जी की, छठे भाव में उनके इस टाइम पे शनि चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, उनकी जितनी भी तारीफ करो अभी तो कम मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल आगे डंके की चोट पे सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और जो उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तो थोड़े से इनको आगे देखने पड़ेंगे। आज से, अभी से जो इनका मंगल चेंज हुआ, जो कल स्वयं राशि में गया है, तो वो इनके लिए बहुत ही आगे लेके इनको जाने वाला है, लंबी रेस का घोड़ा रहने वाले हैं, अच्छा समय इनका रहने वाला है, 45 दिन का, और जिनके कार्यकाल, जो भी शपथ ले लेगी बीजेपी उसके बाद से जो इनका कार्यकाल है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। अमित शाह जो हमेशा से मशहूर रहे हैं अपने कार्यों को लेके और अपने भाषणबाजियों को लेके, जो एकदम से ये बोल देते हैं, और अनप्रडिक्टेबल सी इनकी भी सिचुएशन है। मैं बोलूँगी मोदी जी का और अमित शाह जी का ऑलमोस्ट सेम ही सिमिलर सा इनका करेक्टर ट्रेट्स आते हैं। जब दोनों जो काम करते हैं एकदम से अचानक से करते हैं, दोनों का जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से आगे जाके लंबे समय तक इन दोनों का कार्यकाल चलेगा और इन दोनों की एसोसिएशन चलेगी, अलायंस। अगर मैं बोलूँगी अगर मोदी के बाद कोई फेस आएगा तो अमित शाह का ज़रूर आ सकता है, तो इनकी कार्यकाल की नीति बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। और देखिए बहुत ही सीधा सीधा साफ सा अभी तो दिख रहा है, बीजेपी ने जीतना है, एनडीए ने जीतना ही है, तो इनका बहुत ही बढ़िया आगे चलने वाला है कार्यकाल।